अस्सलाम वालेकुम दिस इज़ मायरा अमजद एंड आई वेलकम यू फ्रॉम द द्लेटफॉर्म ऑफ गोहर पब्लिशर्स और मोटो इज़ रीडिफाइनिंग द जोग्राफ़ी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्स फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज हम गोहर साइंस क्लास फाइव का चैप्टर फोर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जी स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे कि हमारी इन्वायरमेंट क्या होती है और पोल्यूशन क्या होता है और फिर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स आपको पता है कि कि क्या क्या होती है हुँ? क्या आप जानते हैं इर्दगिर्द के, के माहौल को क्या कहते हैं चलें मैं आपको बताती हूँ इन्वायरमेंट हमारे मौजूद हर चीज को हम एनवायरमेंट कहते हैं यानी कि चाहे वो एयर हो चाहे वो सॉइल हो चाहे वो लिविंग थिंग्स हो ह्यूम्स हो प्लांट्स हो एनिमल्स हो जो भी चीज़ हमारे इर्द गिर्द है उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं यानी कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो भी हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है जिस लैंड पे हम खड़े हैं वो भी हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है जो लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं वो भी हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा हैं अब क्या होता है कि हमारे हेल्दी रहने के लिए हमारे ज़िंदा रहने के लिए हमारे इन्वामेंट का हेल्दी और सेफ़ होना ज़रूरी है कहते हैं ना माहौल को साफ रखें वो इसीलिए कहते हैं ताकि हम हेल्दी रह सकें और हमारा सर्वाइवल बेहतर हो सके लेकिन अब आपको मैं ये बताती हूँ कि पोल्यूशन क्या होता है जब हमारा यही इन्वामेंट गंदा हो जाता है यानी कि अनसेफ हो जाता है हार्मफुल हो जाता है तब क्या कहते हैं हमारा इन्वायरमेंट पोलूटेड हो गया है यानी कि कुछ भी ऐसा हो जाने से जिससे हमारा इन्वायमेंट अनहेल्दी हो जाए वो पलूशन कहलाता है तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बुक पे पलूशन और उसके टाइप्स के बारे में ही पढ़ेंगे पेज नंबर फोर्टी एट पर देखते हैं पलूशन क्या होता है एनी चेंज इन दैट इज हार्मफुल टू प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूम इज कॉल्ड इनवायरमेंटल पॉल्यूशन यानी कि कोई भी ऐसी चेंज जो हमारे लिए हार्मफुल हो वो एन्वायरमेंटल पोल्यूशन कहलाती है इसकी तीन मेजर क्लासेस होती हैं जिसमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन आती है पता क्यों इसको मेजर क्लासेस कह रहे हैं क्योंकि ये तीनों चीज़ें यानी कि एयर वाटर और लैंड हमारी अर्थ के मेजर पार्ट्स हैं जी इस वजह से इनमें आने वाले पोल्यूशन को हम मेजर टाइप्स ऑफ पोलूशन भी कहेंगे तो चलें हम अपने एयर पोल्यूशन की तरफ चलते हैं अगर आप पेज नंबर 48 पर मौजूद पिक्चर को देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक है जी धुआँ ही धुआं नज़र आ रहा है क्यों क्योंकि यही वो धुआं है जो एयर पोल्यूशन कॉज करेगा Hmm, लेकिन कैसे आए पढ़ते हैं कैसे कॉज करेगा एयर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन हमारी हवा का हार्मफुल हो जाना एयर पोल्यूशन कहलाता है अब फैक्ट्रीज और व्हीकल से जब धुआं निकलता है तो उसके अंदर हार्मफुल गैसेस होती हैं स्मोक होता है धुआं हमारी हार्मफुल गैसेस और ऐसे केमिकल्स जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं हमारी एयर को प्लूट कर देते हैं इसी तरह जब हम फसल फ्यूल को बर्न करते हैं जैसे कि पेट्रोल गैस कोल अगर हम इसको जला दें तो इसके अंदर से भी धुआँ निकलता है और वो धुआँ जो है वो हार्मफुल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ये हमारा स्मोक बनाती हैं जिसकी वजह से हमारी एयर प्लूटेड हो जाती है जी स्टूडेंट्स इसके अलावा जब हम अपने फॉसिल फ्यूल को बर्न कर देते हैं तब भी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं जिसकी वजह से हमारी एयर पलूटेड हो जाती है इसके अलावा डस्ट और डर्ट भी जब एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं तो उसे प्लूट कर देते हैं गंदा कर देते हैं जी स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं हमारे हमारी लाइफ पे हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट होते हैं जी तो चलते हैं एयर पोल्यूशन क्या करता है बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ कॉज करता है जैसे कि आई इरीटेशन लंग्स डिजीज़, हार्ट डिजीज़ एंड हमारे ब्रेन तक को डैमेज कर सकता है ये कैसे करता है ये मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी जी तो सबसे पहले हम देखते हैं एसिड रेन क्या होती है जी स्टूडेंट्स आपने नाम तो सुना ही होगा ना एसिड रेन का लेकिन आपको इसका कंसेप्ट अभी तक क्लियर नहीं है आज हम इसे क्लियर करते हैं एयर पोल्यूशन कॉजेज रेन वाटर टू बिकम एसिडिक एंड हार्मफुल क्या होता है कि हमारी हवा के अंदर जो पोल्यूशन होता है जो हार्मफुल गैसेस होती हैं जब बारिश होती है तो वो बारिश के ज़रिए वो एसिड्स वो हार्मफुल गैसेस हमारे बारिश के पानी के साथ मिल जाते हैं और फिर जब वो बारिश बरसती है तो वो एसिड ड्रेन कहलाती है जी स्टूडेंट्स इसको कहते हैं एसिड ड्रेन अब चलते हैं हम अपने एक और कंसेप्ट की तरफ जिसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट जी स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब हम अपने फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं जला देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी हार्मफुल गैसेस निकलने लग जाती हैं उसके अंदर से इमिट करती हैं वो जो तमाम हार्मफुल गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं वो सनलाइट को ट्रैप कर देती हैं और यही हार्मफुल गैसेस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का कॉज बनती हैं स्टूडेंट्स पता है वो गैसेस कौन सी होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ओजोन वाटर वेपर्स ये तमाम ग्रीन हाउस गैसेज हैं जी पेज नंबर 50 पर अगर आप देखें तो सबसे ऊपर इन तमाम गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यही वो गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती हैं अब क्या होता है ग्रीन हाउस गैसेज लेट सनलाइट पास थ्रू द एयर एंड ट्रैप द हीट क्या करती हैं कि वो सनलाइट को पास करवा देती हैं और हीट को वहाँ पर रोक देती हैं यानी कि ज़मीन से बाहर जो हमारी सनलाइट है जो सन की रेडिएशन्स हैं वो ज़मीन से बाहर फिर नहीं जा सकती जिसकी वजह से क्या होता है हमारी ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसको हम क्या कहते क्या हैं ग्लोबल वार्मिंग जी इसी वजह से आजकल हमारा गर्मी का मौसम बहुत एक्सट्रीम हो गया है बहुत ज्यादा शिद्दत बढ़ती जा रही है गर्मी में इसलिए क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है अब मैं आपको बताती हूं कि रेन्स और फ्लड्स क्यों आते हैं आपको पता है कि जब हमारे नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ अर्थ पे आइस मेल्ट करती है तब वो क्या करती है वो रेन और फ्लड की सूरत में चेंज हो जाती है जिसकी वजह से दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज में फ्लड आता है जहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल होगा उस कंट्री के अंदर फ्लड और रेन की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि वो आइस मेल्ट कर रही है इसी तरह से हमारा जो स्मोक है वो लंग कैंसर कॉज करता है धुआं अगर हम उसको इनहेल करते हैं तो उससे क्या होता है हमारे लंग्स डैमेज हो जाते हैं और कैंसर हो सकता है जो कि बहुत खतरनाक है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और टाइप ऑफ पोल्यूशन के साथ मिलेंगे तब तक take good care of yourself and the people around you and your environment also allah hafiz